करनी है ना। स्ट्रेट रोड है यार, स्ट्रेट बिल्कुल। भाजी भाजी हौली हौली। इनकेस में बता दो, ये व्लॉग बड़े सारे लोग देखेंगे रजू। उसमें तेरे घर वाले भी होंगे। हेलो भाई साहब। यस सर। रेडी हो? रेडी तो बस थोड़ी देर में। थोड़ी कितनी? आप आ गए हो? मैं तो आ गया हूँ। तुम जाओ कहाँ हो? अभी घर से निकलने लगा हूँ। 10-15 मिनट रुक जाओ। 10-15 मिनट। हेलो जी, क्या हाल चाल? आज मैंडी व्लॉग्स का वेट मैं कर रहा हूँ और वो हमें इंतजार करवा रहे हैं। पुलिस नाका थाना हरियाणा होशियारपुर। आज की इंट्रो जो है वो तो शुरू की है हमारे प्यारे मित्र ने। हमेशा मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूँ ये है हिमाचल, ये है पंजाब, लेकिन आज आई थिंक 4-5 महीने के बाद में हिमाचल बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं हम। आज थोड़ा सा काम है हमें पंजाब में। उधर पर हिमाचल का पास चाहिए, जाना कितने? लेफ्ट। आप एक बात बताओ कि व्लॉग में सबसे ज्यादा लेट क्यों आए आप? पहले सेक्रेटरी आया, जॉर्डन भी आया, हैरी भी आ गया, पापा भी आ गए, आपके बारे में इतनी बार जिक्र हुआ, आप इतने लेट क्यों आए? थोड़ा सोच के इसके बारे में आंसर दें हमें आप। मैं सोचना क्या इसमें इस आपके ब्लॉग में मैं पहले भी बता चुका हूँ, बिजनेसमैन बंदे हैं हम, हमारे पास टाइम की बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज होती है। अब यहाँ से कहाँ जाने भैया? होशियारपुर इज 19 किलोमीटर। देख लो, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट कराया नहीं, हिमाचल टू पंजाब आ गए, सिर्फ 19 किलोमीटर रह गया होशियारपुर। सबसे पहला काम है जिस वाहन में हम जा रहे हैं उस वाहन को थोड़ी सी मरम्मत करवानी है। एग्जैक्ट शब्द रजू, वेरी नाइस। कहाँ से सीखे आपने ये सब चीजें? भाई क्या बताएं, शुरू से महर्षि स्कूल में पढ़े, वहाँ पे हिंदी का प्रयोग कुछ ज्यादा ही करवाते हैं। बिल्कुल सही कहा हमारे सारथी ने, हमें इस वाहन की थोड़ी सी मरम्मत करानी है जो बड़े कामों का पहला हिस्सा है, उसके बाद मिलेंगे आपको दूसरे काम। एक बार मैं हूँ रीसेंटर करन दे। यस ओके, इट इज 4 मिनट। कितनी शर्म की बात है वैसे, मतलब कितनी, एक नहीं दो नहीं 20 बार आया होगा बंदा सर्विस कराने के लिए और आपको पी पी करने से नहीं होगा कुछ भी। आप ये बताओ कि आपको क्यों नहीं पता, एक एक रास्ता नहीं आप याद रख सकते? भाई साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि रोड चेंज हो गया, यहाँ पे पहले पेड़ होते थे, ये रोड ये खाली सिर्फ ये वाला था। चाहे कुछ भी है भाई, दैट डजंट मैटर ब्रो, रोड इज सेम। अगर मैं तुझे नहीं बताता तू जलंधर ले जाता हमें, पता है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, मुझे ये याद है कि सोनालिका के साथ है। सो फाइनली वी हैव रीच आवर डेस्टिनेशन। उन्होंने बोला है अभी कि आप वेट करो, वेट करने के बाद आपकी बारी आएगी, बारी आएगी फिर आपको बताया जाएगा। क्या बात है भैया, होशियारपुर पहुंचते ही आपका गला कुछ खराब हो रहा है? आपने एसी इतना तेज चला रखा ना, सारा गला बैठ गया मेरा एसी की हवा खा खा के। सॉरी टू से बट आपने एसी चलाया, मैंने तो बंद कर दिया था, मेरे कोई इशू नहीं है, मैं तो बाहर की नेचुरल हवा से भी जिंदा रह सकता हूँ। देखो यार मैं सांस ले रहा हूँ ना, मैं चश्मा देना यार मेरा तो, ये देखो
इफ यू कैन सी, चश्मा लगाने वाला को तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी नहीं? फाइनली पूरे 5 महीने के बाद में मैं हिमाचल से बाहर पैर रख रहा हूँ, पूरे 5 महीने के बाद। भाई कॉफी कैसी है? इतनी महंगी गाड़ी है, इतनी महंगी सर्विस है, कॉफी थोड़ी सी कुछ नहीं थी, मतलब 10 में से 5 नंबर तो दे पाऊँ, 2 एक नंबर कप का, एक नंबर जाली दूध का। रखते क्यों इतनी बड़ी बड़ी मूछें भाई, जो सेट नहीं होती। मैनू कहती मित्र रात तू मूछें रखी या मैं क्या जज, ये बड़ी मूछें रखने वाले समझ सकते हैं मेरे। जोक्स अपार्ट यार ब्रदर, जोक्स अपार्ट। घंटे की मशक्कत के बाद हमें मौका मिला है अपनी गाड़ी धुलवाने का। फाइनली इट्स डन, नाउ वी आर गोइंग टू चले चलो। और अभी हमने ड्राइवर चेंज कर लिया है, अभी हम खाना खाएंगे पहले जाके, पहले कुछ खाएंगे, पहले गेट पे पास दिखाएंगे, नहीं तो ये हमें जाने नहीं देंगे। ठीक है ओके भाई, जो आप खिला दोगे हम प्यार से खा लेंगे। 2 मिनट का है, हम चाहते हैं भाई साहब आप गाड़ी लगा लोगे पार्किंग में आज के दिन में? उधर देखो चेक कर, बहुत जगह मेरे पास है। ओके ओके बस बस फोन में ना बिच रहे ने। अभी हम खाएंगे कुछ, कुछ ना कुछ तो खाएंगे क्योंकि टाइम हो गया है भाई। हमारे पास ऑप्शन है हंगरी पॉइंट का, बर्गरीरा भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ मर्जी जो मर्जी खा लो। इतने बुरे नहीं, इतने बुरे नहीं है जितने तुझे लग रहे हैं, कसम से सीरियसली बोल। विल ट्राई द काठी जंक्शन, यहाँ पे रज्जू को कुछ पसंद नहीं आया है। रज्जू बात नहीं है, बात सुनो मेरी, आप ये दूसरा और आखिरी ऑप्शन है आपके पास। पहले ऑप्शन में आपने हमें इतना भगाया, इसने वहाँ जाके पूरा मेन्यू छान मारा, कुछ अच्छा नहीं लगा। क्यों अभी यहाँ पे कुछ देखते हैं ट्राई करके। वैसे इनका डेकोरेशन तो अच्छी है, डेकोरेशन भी बढ़िया है, बाकी अभी खा के बता कैसा है। ऑर्डर तो कर ही लिया है, पिछले बार उसने ऑर्डर भी नहीं कर दिया, बोला नहीं यहाँ नहीं, हम तो कहीं और जाएंगे। तो वी आर डन, अभी हम जा रहे हैं बड़ा काम नंबर 2 करने। बड़ा काम नंबर 2 करने जा रहे हैं अभी हम। Oh
होशियारपुर मार्केट कुछ ज्यादा ही ठंडी है ड्यू टू कोरोना। होशियारपुर की तंग गलियों में आपका स्वागत है। जो लोग भी होशियारपुर पहले कभी नहीं आए हैं उन्हें ये थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा। ये तो कोरोना की वजह से फिर भी बहुत ज्यादा कम भीड़ है, नहीं तो गाड़ी तो इस रोड पे आप लेके आ ही नहीं सकते ना। आओगे तो खास करके बड़ी गाड़ी हाँ। 5 घंटे 4 घंटे तो नॉर्मल आप अपना वेटिंग टाइम लेके चलो, क्योंकि यहाँ पे हॉर्न बजाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, कोई नहीं सुनता। एक हैंड बिल्डिंग Yes, brother. कहने 5 मिनट रुको। तो ये है हमारा सेकंड स्पॉट, कौन है जो बड़ा काम है। पापा का थोड़ा सा सामान था, उन्होंने कहा कि लेके आ जाना इफ पॉसिबल, तो हम वही अभी लेने आए। नॉट इफ पॉसिबल, लेके ही आना, नहीं तो घर मत आना। आई वॉज ट्राइंग टू कवर अप, बट ये अभी बोल रहा था ठीक है। तो सामान पैक है, बस उठा के डालना है गाड़ी के अंदर। उसके बाद एक स्पीकर का कुछ वायर का प्रॉब्लम है बस, बट मिल नहीं रहे कवर। हमने थोड़ी सी एक दो शॉप्स पे ट्राई किया बट मिल नहीं रहे। एदा बिछा देना जे माड़ा मोटा दाल कुछ रखियो प्यार ना यार, होली इन एक प्यार ना है किने लग रही। हाँ, क्या बंद है? बंद है। You can just take right. Take a right. Google में आप चले गए। Take a right. After 100 meters. After 100 meters, take a right. सानू एक्सेंट भी नहीं आता ना। अच्छा आपके ये हिमाचल वाला वही है ना, हिमाचल इलेक्ट्रिकल रिपेयर क्या? नहीं भैया जी, हमें हमें आप लेफ्ट हो जाइए, आप हमें महाराणा प्रताप चौक तक लेके जाइए। हमारे जो दो बड़े काम थे वो तो हो गए, बट जो आज के दो छोटे छोटे काम बट मेन काम थे वो नहीं हो पाए। हो जाते हैं बट थोड़ी टाइम की शॉर्टेज के कारण बात नहीं बनी। उसमें से एक काम के लिए हमने बहुत ट्राई किया, 5-6 शॉप्स में जाके देखा, फोन के कवर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और घर जाने का टाइम तो हो ही गया, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो ये आपको टाइम दिखा रहा है 4:26। तो अगर 9 बजे का बंदा निकला हो, अगर 5 बजे घर ना पहुंचे तो घर वाले एज यूजुअल खाना देते नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम 5 बजे से पहले घर पहुंच जाएं। दो छोटे छोटे काम है वो बाद में निपटा लेंगे। ये था हमारा आज का व्लॉग, आपने आज का व्लॉग देख लिया। मिलते हैं आपसे अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।